हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने चैनल द एक्सपेरिमेंट लैब में। मैं रुद्राक्ष और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपने सुना होगा वो चीज पे सोनी पर चढ़ो, चांदी की उस पे एल्युमिनियम की उस पे लोहे की, तो आज हम वही पर चढ़ाने वाले हमारे घर पे। तो देख लेते हैं, पहले मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ, फिर उसका फंक्शन समझा देता हूँ और फिर चालू करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है कॉपर की वायर और ये है आयरन नेल। तो बेसिकली क्या है, ये जो कॉपर की वायर है ना, ये मैंने कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल के ऑफ द बैटरी। तो जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से कॉपर घुल घुल के ये जो आयरन नेल जो नेगेटिव टर्मिनल पे है बैटरी के, उस पे जाके जम जाएगा। तो इस कंडीशन में बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसके लिए हमें केमिकल की जरूरत पड़ेगी, वो रहेगा कॉपर सल्फेट। देख सकते हो कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन बनाऊंगा मैं वाटर में। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाना होगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये कॉपर सल्फेट जो मैं आपको अमाउंट पहले ही दिखा चुका हूँ वीडियो में, मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं ताकि मेरे हैंड सेफ रहे केमिकल से, और इसे मेरे को स्टिर करना पड़ेगा बहुत लंबे समय तक। इसे स्टिर करेंगे तो ये बनेगा। तो गाइस मैंने सोचा आपको सेटअप अभी दिखा देते हैं, अभी लगभग 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं, तो अब देखते हैं सेटअप की हालत। ये देखो सेटअप की हालत कैसी है, ये पानी में आप देख सकते हो ऊपर थोड़े से ऐसे पैचे, व्हाइट पैचेस टाइप आ चुके हैं, और बाजू से देखेंगे ना आप लोग तो बबल्स टाइप दिख ही रहे होंगे आपको, 2-4 बबल्स इसमें आ चुके हैं। पर मैं अगर इसकी बात करूं तो ये हीट नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये मेरी बैटरी है जिसका मैंने सर्किट के लिए यूज़ किया था, ये 9 वोल्ट की है, ताकि मैं सिल्वर साइड चल रहा हूँ 9 वोल्ट। अब मिलते हैं आयरन नील के साथ जब हो जाएगा कॉपर प्लेट। तो गाइस अब कमरा हो चुका है, घड़ी में पास बज चुकी है, अब मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ। अब हम धीरे से आयरन नील को निकालते हैं। ओह, इट इज कॉपर प्लेटेड। ये देख सकते हो गाइस, ये कॉपर है जो अभी मेल्ट है, इसलिए आपको थोड़ा सा डलिश कलर आ रहा होगा, पर अगर इसे हम एक बार ड्राई होने के बाद एक बार अगर इसे वॉश कर लेंगे तो ये एकदम परफेक्ट कॉपर की कलर में आ जाएगा। और मैंने पूरी नेल इसलिए नहीं डुबाई, देख सकते हैं जो पार्ट ऊपर साइड था वो अभी भी पुरानी नेल की तरह है। तो That the electroplating works. Electroplating सच्ची में वर्क करती है। आपने देख ही चुके हो नेल को कि वो कैसे कॉपर प्लेटेड हो चुका था। उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन के बाद जो घंटा है उसको बजा देना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास आए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।